हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जो आपको फिल्म जगत और एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आज मैं एपिसोड में आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज। आज हम पहले बात करेंगे बड़े पर्दे की। सबसे पहले बात करेंगे आज रिलीज होने वाली सरफिरा मूवी की। सरफिरा की कहानी वीर जगन्नाथ पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है एक मिडिल क्लास आदमी जो महाराष्ट्र के छोटे से गांव के होने के बावजूद भी लोगों को लो कॉस्ट एयरलाइंस लॉन्च करने का सपना दिखाता है। ये फिल्म अक्षय कुमार की 150th फिल्म होगी, इसलिए ये उनके लिए बहुत ही खास फिल्म है। इसमें आप अक्षय की एक्टिंग को देखकर हैरान और इमोशनल ज़रूर हो जाएंगे। अक्षय के साथ साथ आपको फिल्म में राधिका मदान और परेश रावल भी दिखेंगे, जो अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। ककुड़ा। अब बात करते हैं हाल ही में शादी के बंधन में बंधी सोनाक्षी सिन्हा की। आज सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ककुड़ा भी रिलीज होने जा रही है OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर। इस फिल्म में आप सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख और साकिब सलीम, आतिफ खान और सचिन विरोधी को डराने वाली और हंसाने वाली केमिस्ट्री के सामने आएंगे। हीरा मंडी के बाद एक बार फिर से सोनाक्षी सिन्हा डबल रोल में नजर आएंगी। अब बात करते हैं छोटे पर्दे की, तो इसमें सबसे पहले बिग बॉस सना मकबूल शो के शुरुआत से विशाल पांडे और लवकेश के साथ अच्छा बॉन्ड बनाए रखे हैं। वहीं दोनों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और उन्हें अपना दोस्त मानती हैं, लेकिन कई बार वो दोस्ती में कंफ्यूज दिखती हैं। वो खुद भी ये बात बोलती दिखी कि ये रिश्तों में अभी भी क्लैरिटी नहीं देख पा रही हैं। और अब सना मकबूल अरमान को अपना दोस्त बता बैठी हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में सना ने बोल दिया है कि अरमान उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और वो उनके साथ शो के बाहर भी दोस्ती बनाए रखना चाहती है। दरअसल हाल ही में कृतिका और सना की बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई हो गई थी, जिसमें अरमान को नो रिएक्शन से सना काफ़ी खुश थी। इसी के साथ अब एक बार फिर से विशाल कृतिका पर एक बात बोल दी है, जिससे घर में बवाल हो सकता है। दरअसल कृतिका और बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने लवकेश के हिस्से का घी घर में छिपा दिया था, जिसके बाद विशाल ने बोला कि पहले मुझे कृतिका भाभी बहुत पसंद थी, लेकिन चंद्रिका भाभी के साथ वो वैम बनकर घर में घूमती रहती हैं। सना की लड़ाई में भी सना ने कृतिका को यही कहा था कि आप दो फेज्ड हैं, यानी अब दोबली हैं। पहले मुझे अच्छा दोस्त बताती थी, लेकिन अब अपने दोबले रूप दिखाना आपने शुरू कर दिया है। अब आगे बात करते हैं टीवी के सबसे फेमस शो अनुपमा की। अब जल्द ही होने वाला है बड़ा बदलाव, क्योंकि समय के साथ हो जाएंगी अनुपमा बूढ़ी और वो एक वृद्ध आश्रम शुरू करेंगी, जिसमें वो अपना जीवन बिताएंगी और वहाँ अनुज अनुपमा की याद में हो जाएंगे अनजान। अनुज बिल्कुल जंगली जैसे रहने लगेंगे और साथ ही साथ आद्या हो जाएंगी बड़ी। जल्द ही सोमवार से शुरू होगा अनुपमा का एक और नया अध्याय। अब बात कर लेते हैं टीवी के दूसरे फेमस शो गुम है किसी के प्यार की। अभी ईशान के जाने के बाद सभी की जिंदगी में आ गया है एक और लड़का, तो वहीं सई और उसके पापा रजत कक्कड़ बार बार टकरा रहे हैं। अब फिलहाल सभी और मंगेतर के साथ एक पार्टी में गई हैं, लेकिन अब ईशान और सभी जल मिलने वाले हैं। अब आगे होने वाला है कि सभी की सगाई और पता नहीं ऐसा क्या लग हो रहा है जिससे रजत हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नई मजेदार खबरों के साथ। ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।